तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे कि पाइथन में कमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, कमेंट्स को जानने के लिए हमने क्या करा हुआ है, क्रोम में चैट जीपीटी को ओपन किया हुआ है और मैं यहाँ पर लिखता हूँ पाइथन कमेंट्स। ठीक है, अब पाइथन कमेंट्स, अब हमारे को चैट जीपीटी बताएगा कि आखिर पाइथन के अंदर कमेंट्स होते क्या हैं। ठीक है, देखिए जैसे इसने बोल दिया सर्टेनली इन पाइथन, ठीक है, कमेंट्स आर यूज्ड टू एनोटेट द कोड एंड प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक, ये क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है डेवलपर को। ठीक है, ठीक है, या डेवलपर द्वारा जब कोड करा जा रहा होता है, यानी कि डेवलपर जब कोड कर रहा है तो उस टाइम पर वो उसको यूजर फ्रेंडली बना सके, यानी कि जब दूसरा बंदा उस कोड को पढ़े तो वो इजिली समझ सके उस कोड को कि आखिर में वो कोड कहना क्या चाहता है। इस चीज के लिए कमेंट का यूज करा जाता है। ठीक है, देखिए कमेंट क्या होते हैं, दो टाइप के कमेंट्स होते हैं पाइथन के अंदर। एक तो हो गया हमारा सिंगल लाइन कमेंट्स, ठीक, और दूसरा जो होता है हमारा वो होता है मल्टी लाइन कमेंट्स। ठीक है, अभी सिंगल और मल्टी लाइन कमेंट्स की हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे मैं यही एग्जाम्पल कॉपी कर लेता हूँ और मैं अपनी आईडीएलई के अंदर में चलता हूँ। ठीक है, जैसे ही आईडीएलई के अंदर हम लोग चलेंगे, मैंने यहाँ पर ओपन करा हुआ है पाइथन आईडीएलई और मैं यहाँ पर इस कोड को पेस्ट कर देता हूँ। ठीक, अब देखिए ये जो रेड से लिखा हुआ है, दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, तो ये भी क्या है, कमेंट है। ठीक है, सिंगल लाइन मैं अभी हटा देता हूँ, मैं अभी इसको सीधा कह देता हूँ दिस इज अ कमेंट। ठीक है, ये क्या है, कमेंट है। ठीक, और मैं यहाँ से भी सिंगल लाइन को हटा देता हूँ ताकि आपको इजिली समझ में आ सके। ठीक, अभी हमने लिया, अभी तक भाई हमने पाइथन में प्रिंट करना सीखा है कि प्रिंट किस तरीके से करा जाता है। ठीक है, इस बात के ऊपर जाने की आपको जरूरत नहीं है अभी कि भाई प्रिंट इस तरीके से काम कैसे कर रहा है, जो हमने पिछले में देखा था कि भाई कुछ भी लिखो इसके अंदर में तो ऐसा का ऐसा ही हेलो वर्ड लिखा हुआ है, अगर जब मैं इसको रन करता हूँ तो हेलो वर्ड स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, इस बात के जानने की अभी कोई जरूरत नहीं है कि भाई ये हो कैसे रहा है। ठीक है, क्योंकि ये एक इंटरनल प्रोग्रामिंग है जो कि पाइथन ने पहले से कोड करी हुई है। आपको फिलहाल अभी इतना ही जानना है कि अगर जो मैं प्रिंट के अंदर में कुछ भी लिख देता हूँ तो एज इट इज प्रिंट कर देता है स्क्रीन पर। ठीक है, जैसे इस केस में हेलो वर्ड प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको रन भी करके दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, तो सेव करना पड़ेगा सबसे पहले, तो सेव में डेमो के नाम से कहीं भी इसको सेव कर लेता हूँ, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेव कर सकते हैं। ठीक है, और मैं इसको क्या कर लेता हूँ, रन। देखिए जैसे हेलो वर्ड यहाँ पर प्रिंट लिखा हुआ आ चुका है, हर वर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से प्रिंट के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, ये हमने देखा था। अब इसके लिए पाइथन ने अलग से कोड करा हुआ है, ये चीज आपको जब आपकी पाइथन कंप्लीट हो जाएगी तो आप इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको कोई नहीं बताएगा क्योंकि ये आपको खुद से ही रिसर्च करना पड़ेगा, नहीं तो पाइथन का कोर्स ही बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, अभी हम चलते हैं अपनी कमेंट्स के ऊपर। देखिए कमेंट्स जो होता है, अभी मैंने एक लाइन ये भी लिखी हुई है यहाँ पर। ठीक है, अब एक लाइन मैंने ये भी लिखी हुई है पूरी की पूरी। ठीक है, लेकिन आपने नोटिस करा होगा जो चीज मैंने इस हैश टैग के बाद में लिखी हुई है। ठीक है, इस टैग के हमने हैश टैग जो होता है बोलते हैं, ठीक है, इसके जो बाद में लिखी हुई है इसको पाइथन आइडियली जो है उसको ले ही नहीं रहा, मतलब कि इग्नोर कर रहा है पूरी तरीके से, जैसे कि ये कुछ है ही नहीं, ना ही इसको ले रहा है। ठीक है, दोबारा से रन करके दिखाता हूँ इसको, प्रोग्राम को। जैसे ही मैंने रन करा, देखो हेलो वर्ड तो लिख करके आ रहा है लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, है ना, इसके बारे में कोई नहीं दे रहा, ना ही वो एरर दे रहा। लेकिन अगर देखिए मैं यहाँ से हैश टैग को हटा देता हूँ, ठीक है, मैंने इसको हटाया, देखिए अब पाइथन प्रोग्राम हमारा क्या दे देगा, एरर दे देगा। ठीक है, इनवैलिड सिंटैक्स, तो उसने क्या दे दी, एक एरर दे दी। क्यों, क्योंकि अब ये कंसिडर कर रहा है इसको, है वो कह रहा है कि भाई ये तुमने क्या ही लिख दिया, मेरे को नहीं पता लग रहा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक कमेंट्स होता है, यानी कि पाइथन आइडियली क्या कर देगी, उसको इग्नोर कर देगी पूरी तरीके से। सही बात, ठीक है, अगर जो मैं इस हैश टैग के बाद में कोई भी चीज लिखता हूँ, ये सिंगल लाइन कमेंट होती है हमारी, यानी कि मैं इस तरीके से एक ही लाइन में लिख सकता हूँ। अगर जो मैं दूसरी लाइन में, भाई मैं जैसे यहाँ पे मैं लगाता हूँ, इसमें ये हैश टैग लगाया, माई नेम इज राजेश्वर। ठीक है, और मैं नेक्स्ट लाइन में लिखना चाहूंगा इस तरीके से, एंड एंड मान लीजिए मैं कुछ भी लिख देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, मैंने कुछ भी लिख दिया, फिलहाल आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक
ठीक है, तो देखिए ये इसको कंसिडर नहीं कर रहा है, ठीक है, यानी कि देखिए मैं रन करता हूँ तो अब ये एरर देगा इसके अंदर, मैं इसको सेव करता हूँ और रन करता हूँ, देखिए इसने क्या कहा, इनवैलिड सिंटैक्स, यानी कि आपने कुछ गड़बड़ करी है अपने कोड के अंदर, ठीक है, ये बता रहा है हमारे को पहले। अगर जो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, दूसरी लाइन का कोड, ठीक है, और मैं दोबारा से सेव करके इसको रन करता हूँ, देखिए पूरी तरीके से एग्जीक्यूट हो गया और ये हेलो वर्ल्ड दोबारा से लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही मैं इसके आगे कुछ लिख देता हूँ तो भी ये कमेंट ही माना जाएगा, लेकिन मैं नेक्स्ट लाइन में नहीं लिख पाऊंगा, ये होती है हमारी सिंगल लाइन कमेंट, के मैं जब हैशटैग से अगर मैं सिंगल लाइन कमेंट करना है, यानी कि कोड को यूजर फ्रेंडली बनाना है, सीधी बात जो है वो ये है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिखा, प्रिंट करा हुआ है, तो मैं यहाँ भाई बता सकता हूँ यूजर को, मान लो कोई अच्छे से प्रोग्रामिंग किसी को नहीं आती है, या कई बार हम यूज करेंगे आगे तो आपको पता लगेगा धीरे धीरे, जैसे पाइथन के कोर्स में हम आगे चलेंगे कि कमेंट्स आखिर होते क्या है एकदम से, अभी तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही लेनी है कि कमेंट्स होते क्या है। जैसे मैं इसको बता सकता हूँ दिस इज अ प्रिंट स्टेटमेंट, ये क्या है, प्रिंट स्टेटमेंट है, तो मैंने क्या कह दिया, ये प्रिंट एक स्टेटमेंट है, तो और मैंने यहाँ पे इसको कमेंट कर दिया, कमेंट का मतलब ये हो गया, अब ये पूरी तरीके से पाइथन आईडीएलई द्वारा ये क्या करा जाएगा, ये सारा कोड जितना भी यहाँ यहाँ लिखा हुआ है ये इग्नोर कर देगा, इसको कंसीडर नहीं करेगा, ठीक है, एज अ पाइथन कोड, ये इसके लिए कोई कोड नहीं है, ये फ्री स्पेस है एक तरीके से, आप ये मान सकते हो खाली है, इसको कंसिडर ही नहीं करेगा अपने कोड के अंदर, ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा तरीके से मानेगा, ठीक है, ये कमेंट्स होती है, यानी कि वो कंसिडर नहीं करता, सिर्फ आप कोड के अंदर उसको लिखा हुआ देख सकते हो अपने सहूलत के लिए, ठीक है, के वो कोड कहना क्या चाह रहा है। जैसे मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ एक्स इज इक्वल टू, मैं एक स्ट्रिंग दे देता हूँ, स्ट्रिंग क्या होती है वो भी हम आगे देखेंगे, मैं कोई वैल्यू दे देता हूँ, माई नेम इज राजेश्वर, ठीक है, मैंने x इज इक्वल टू ये बोल दिया, तो मैं यहाँ पर बता सकता हूँ कि भाई मैं यहाँ पर अपने बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, कि जैसे मैंने अपना नाम बताया ना इसमें, तो मैं यहाँ पर भाई किसी को नहीं पता है, मैं किसी दूसरे का गंदा कोड तो क्या सोचेगा ये क्या लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हो गया, एक्स इक्वल टू माई नेम इज राजेश, तो मैं बता सकता हूँ कि आई विल स्टोर, आई हैव स्टोर माई नेम इन वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है, इस तरीके से जो डिफाइन कर देते हैं उसको वेरिएबल बोलते हैं, हालांकि हम देखेंगे वेरिएबल आगे क्या होता है, वेरिएबल इन एक्स, इन वेरिएबल एक्स, माय नेम इन वेरिएबल एक्स, वेरिएबल एक्स में हमने क्या स्टोर कराया, तो ये पूरी तरह से इग्नोर हो जाएगा और ये पाइथन कोड चल जाएगा, ये क्या है, पूरी पूरी कमेंट है, ठीक है, यानी कि अब कोई बंदा आकर के भाई इसको देखेगा पूरे कोड को, तो आसानी से पता लगा सकता है कि भाई ये है क्या, है ना, इसको पढ़ेगा वो और पता लगा लेगा कि भाई ये कोड कहना क्या चाह रहा है, इस कोड के सिंपल आई हैव स्टोर्ड, यानी कि मैंने क्या स्टोर करा हुआ है इसके अंदर, वेरिएबल एक्स के अंदर अपना नाम स्टोर करा हुआ है, ठीक है, ये क्या हो गया, एक सिंगल लाइन कमेंट्स हो गई, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होगा कि हमें मल्टी लाइन कमेंट्स करना हो, मल्टी लाइन का मतलब भी आप समझ सकते हैं कि भाई मैंने कुछ लिखा इस तरीके से और मेरे को बहुत ही सारा लिखना है, ठीक है, इस तरीके से कई बार, ठीक है, तो वो किस तरीके से करा जाएगा, तो वो आपको करना किस तरीके से, कुछ नहीं करना, सिंपल आपको मैं इस सारे को हटा देता हूँ, ठीक, और मैं इसको भी हटा देता हूँ, सिंगल लाइन कमेंट्स आप समझ गए होंगे, तो ट्रिपल कोट्स के अंदर मेरे को लिखना पड़ेगा, यहाँ पर थ्री कोट्स दूंगा मैं, ठीक है, और तीन कोट्स के कहाँ मिलेगा, एंटर के बराबर में आपको इसका बटन मिल जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और तीन कोट्स में दूंगा इसके अंदर, मैं जो भी लिखूंगा, माय नेम इज राजेश्वर, एंड मैं नेक्स्ट लाइन में लिखूंगा, देखिएगा तो ये उसको कमेंट ही मानेगा अभी, एंड आई, चलो कुछ भी लिख देता, आई हैव कंप्लीटेड माय 12th क्लास लिख देते हैं, चलो क्लास, ठीक है, अब मैंने अपनी 12th क्लास कंप्लीटेड कर चुकी है, वैसे अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन चल रही है, फाइनल ही होने वाली है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं मल्टी लाइन कमेंट्स कर सकता हूँ, ये मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ और भी ऐसे ही उल्टा सीधा कुछ भी लिख देता हूँ, तो वैसे ही चेक करने के लिए, तो ये उसको कमेंट ही मानेगा, यानी कि उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और बाद में मेरे को क्या करना पड़ेगा, ट्रिपल कोट्स को दोबारा से बंद करना पड़ेगा, ठीक है, ये इसको कमेंट तभी लेगा
जब मैं इसको क्लोज करूंगा, अगर जो मैं इसको हटा दूंगा और मैं यहाँ पर जो भी लिखूंगा तो ये उसको भी कमेंट ले लेगा। जैसे मैं एक और प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ दे देता हूँ, तो ये प्रिंट स्टेटमेंट तक इसके लिए क्या बन जाएगी, कमेंट बन जाएगी। देखिए इसने कलर भी पूरे का चेंज करा हुआ है, यहाँ पर कलर अलग है। तो मल्टी लाइन कमेंट्स को येलो लाइन से दिखाया जाता है और जो आपकी सिंगल लाइन कमेंट्स है उसको रेड लाइन कर देता है ये, ठीक है। वैसे अलग अलग आइडियली के अंदर अलग अलग कलर्स दिख सकते हैं, वो आइडियली के ऊपर डिपेंड करता है, अगर जो आप वीएस कोड वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर जो आप सिंगल कोट्स, सिंगल ट्रिपल कोट्स आप स्टार्टिंग में लगाते हैं लेकिन एंड में नहीं लगाते, तो उसके लिए ये क्या होगा, पूरा नीचे तक जितना भी आप कोड लिखेंगे नीचे तक, ठीक है, वो सभी क्या होगा, कमेंट होगा। लेकिन अगर जो आपको पर्टिकुलर लाइन ही कमेंट करानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको क्लोज करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब मैं यहाँ पर एक और प्रिंट स्टेटमेंट अगर जो लगाता हूँ तो ये क्या करेगा, उसको भी एग्जीक्यूट करेगा साथ में, दो प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हमारी हो जाएंगी। देखिए अगर जो मैं इसके बाद में कुछ लिखता हूँ, अब ये क्या नहीं है, कमेंट नहीं है, ठीक है। तो मल्टी लाइन कमेंट्स हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, रन करके देखते हैं, ठीक है। जैसे ही देखो मैंने रन करा तो दो बार हेलो वर्ल्ड लिख करके आ चुका है, ठीक। कौन कौन सा वाला है, एक तो ये वाला आ चुका है, ठीक है, ये भी कमेंट है क्योंकि इसे तुमको भी नहीं लेगा, इसको भी नहीं लेगा, सिर्फ किसको लेगा, इसको लेगा। और ये पूरा पोर्शन भी एक कमेंट ही है, और क्या कमेंट नहीं है, ये कमेंट नहीं है। तो एक बार हेलो वर्ल्ड इसके वजह से आया, एक बार हेलो वर्ल्ड इसके वजह से आ गया। तो ये क्या थी, मल्टी लाइन कमेंट्स थी हम लोगों की, ठीक है। तो आप चैट जीपीटी में डाल करके इसको पढ़ सकते हैं। आपको लिखना किस तरीके से है, देखिए टॉपिक आप लोग लिखते चले जाना कॉपी में एक, ठीक है, ताकि आपको पता रहे किस तरीके से पढ़ना है। और जब भी आपको कोई टॉपिक में दिक्कत आए, चैट जीपीटी ओपन करो और वहां पर उसके डाल दो। जैसे कि आप लिखेंगे पाइथन कमेंट्स, तो ये उसके बारे में पूरा डॉक्यूमेंटेशन आप लोगों को दे देगा, ठीक है, कि मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होती है ना, सिंगल लाइन कमेंट क्या होती है, तो उसके बारे में बता देगा। लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक, यहीं से आप लोग इसको समझ पाओगे। तो ओके फ्रेंड्स, कमेंट्स आप लोग जान चुके होंगे कमेंट्स क्या होती है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।